इस समय मार्केट में देखा जाए तो लोन एप्लीकेशन जो है काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, बट आप हर एप्लीकेशन से जो है लोन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आपका इनकम ठीक ठाक होना चाहिए और आपका सिविल अच्छा खासा होना चाहिए। बट आज के इस वीडियो में हम बात की है ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में जहाँ पर आपको ना ही सिविल का ज़रूरत है और ना ही इनकम प्रूफ का ज़रूरत है। यहाँ पर जो है आप मात्र नॉर्मल डॉक्यूमेंट से अप्लाई कर और लोन जो है काफ़ी ईजी तरीका से ले सकते हैं। यहाँ पे हम बात किए हैं बेस्ट 3 लोन एप्लीकेशन के बारे में जो कि इंडिया का नंबर 1 और ट्रेंडिंग एप्लीकेशन है। यहाँ पे इंस्टेंट लोन प्रोवाइड किया जाता है जो कि इस वीडियो में हम आप सबको कंप्लीट जानकारी दिए हैं, तो इसलिए जो है आप सबको वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक वॉच करना है। सबसे पहले हम बात करें लोन एप्लीकेशन के बारे में जो कि इंडिया का सबसे नंबर 1 लोन एप्लीकेशन रहता है, वो है एलटी फाइनेंस लोन। एलटी फाइनेंस लोन में जो है आप 5,000 से लेकर 25 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है स्टार्टिंग आपका 12% से लिया जाता है और मैक्सिमम जो है आपका 20% तक का जो है इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लिया जाता है। वहीं यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट में जो है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासबुक होना चाहिए और मंथली इनकम होना चाहिए। प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करें, जो भी आपको लोन अमाउंट अप्रूव होता है उसमें से 2% का जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस माइनस कर दिया जाता है, तो जीएसटी फीस जो है उसी में इंक्लूडेड रहता है। अब हम बात करते हैं अप्लाई कौन कौन से लोग कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में। तो अप्लाई करने के लिए जो है आपका एज 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और 55 वर्ष से नीचे होना चाहिए। सेकेंड नंबर में हम बात करते हैं फाई इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में। फाई भी जो है आपको यहाँ पे 5,000 से लेकर 2,00,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है और यहाँ पे भी जो है आप इंटरेस्ट रेट पर मंथ 2% आप दे सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपसे 3% लिया जाता है, यानी कि जो भी आपका लोन अमाउंट अप्रूव होगा उसमें से 3% जो है आपको प्रोसेसिंग फीस देना होगा। यहाँ पे जीएसटी फीस भी जो है इंक्लूडेड रहती है। और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट में जो है आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक होना चाहिए, साथ में जो है मंथली इनकम आपका होना चाहिए। आपका अगर 15,000 भी रुपया होता है तो यहाँ पे इजी तरीका से जो है आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। फाई इंस्टेंट पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे जो है 10% से लेकर 20% का जो है आपसे इंटरेस्ट रेट लिया जाता है। वहीं आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आपका एज जो है 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और 55 वर्ष से नीचे होना चाहिए। लोन अप्लाई करने के बाद जो आपका ईएमआई किस्ती होता है वो 3 मंथ से लेकर 36 मंथ तक का जो है आप ईएमआई किस्ती यहाँ से ले सकते हैं, जो कि काफ़ी कम आपका ईएमआई आता है। यहाँ पे स्टार्टिंग ईएमआई जो है 1100 से आप कर सकते हैं, जो कि 36 मंथ तक के लिए जो है आप अपना ईएमआई यहाँ पे ले, जो कि इस समय बहुत ही बेहतरीन ये एप्लीकेशन काम कर रही है। तीसरे नंबर के बारे में हम बात करें जो कि हमारा सबसे फेवरेट है, रिंग लोन एप्लीकेशन। रिंग लोन एप्लीकेशन जो है काफ़ी पुराना एप्लीकेशन है और इसका यूजर जो है काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, लगभग 1 करोड़ से अधिक जो है इसका यूजर आपको दिख जाएंगे। वहीं यहाँ पे इतना पॉपुलर होने के बाद भी जो है इसका इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो 18% से लेकर 36% तक का जो है इंटरेस्ट रेट लिया जाता है। 2,00,000 तक का जो है आप यहाँ पे लिमिट ले सकते हैं लोन अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जो है आपको 2% देना होता है। वहीं यहाँ पे बात करें टर्न ओवर लिमिट के बारे में, आपका 2 मंथ से लेकर 24 मंथ तक का जो है ईएमआई किस्ती आ जाता है। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो वहीं आपको जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक और मंथली इनकम आपको यहां पे देना है। दूसरा यहां पे डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड नहीं किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जो है आपका वहीं दिया गया है, 21 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। उसके बाद आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, दोनों आदमी जो है यहां से इंस्टेंट लोन अप्लाई कर लोन ले सकते हैं। इस तीनों एप्लीकेशन का लिंक जो है आप सबको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फुल वीडियो वहां पे बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाया गया है। अगर आप उस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद लोन अप्लाई करते हैं 100% हम दावा करते हैं कि आपका लोन जो है वहां पे अप्रूव हो जाएगा। जो भी आपका लिमिट मिलेगा वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिएगा। और यहां पे हम आप सबको बता दें कि ऐसा ही लोन अप्लाई नहीं करें मजाक मजाक में, अगर आपको इमरजेंसी हो, पैसे की ज़रूरत हो तभी जो है आप लोन अप्लाई करें, क्योंकि लोन आपको मिल जाता है जो ईएमआई किस्ती आता है वो आप ईएमआई किस्ती नहीं चुकाते हैं तो आपको जो है वहाँ पे काफ़ी सारे चार्ज देने होते हैं। जैसे कि आप कोई भी ईएमआई बाउंस करते हो तो वहाँ पे 400 रुपया 300 रुपया जो है आपको बाउंस चार्ज देना पड़ जाता है और उसका इंटरेस्ट रेट जो है काफ़ी हाई होता है। तो इसलिए जो है आप सोच समझ कर लोन अप्लाई करेंगे, पैसे की नीड हो तभी जो है आप लोन अप्लाई करेंगे।